Good morning, students. So, in the previous video, you have learnt about the meaning of noun, sorry, meaning of pronoun and kinds of pronoun. So, in which you have learnt uh, about first is personal pronoun, then um, interrogative pronoun, demonstrative pronoun, reflexive pronoun, and emphatic pronouns. Okay, so these five pronouns you have learnt earlier. and now today we will look the in this part that is the pronouns okay so you will learn today in uh, about the pronouns number gender and cases okay जैसे भी आपने pronouns uh, में जो number nouns में जैसे आपने पढ़े थे जो number और gender and cases थे वैसे ही आप pronouns में भी पढ़ेंगे ठीक है एंड ऑन प्रनाउंस सो इन ऑन द पेज नंबर एटीन प्रनाउंस नंबर जेंडर एंड केस वी यूज प्रनाउंस इन प्लेस ऑफ नाउन सो वी हैव टू स्टडी द नंबर जेंडर एंड केस इन प्रोनाउंस एज वेल इसका मतलब ये है कि जैसे आपने नंबर जेंडर एंड केस जो है आपने नाउन्स में पढ़े थे वही सेम जो है नंबर जेंडर एंड केस जो है हम क्या करेंगे नाउंस की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे ठीक है तो अभी हम जो है वो अभी जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं तो अभी हम देखते हैं इन्हें जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि द बॉय हैज पास्ट ही वर्कड हार्ड यानी जो बॉय जो है अब जो द बॉय जो है वो क्या हो गया है ये एक नाउन हो गया है ठीक है हैज पास यानी कि जो बॉय है वो पास हो चुका है ठीक है एंड अब द बॉय की जगह ये एक नाउन था ठीक है पर उसके बाद हमने क्या लगा दिया है ही वर्क हार्ड यानी कि क्यों पास हो गया क्योंकि यानी कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी इसीलिए हार्डवर्क किया था तो अभी आप देख रहे हो कि द तो बॉय जो है वो नाउन है और यहाँ पे हमने द बॉय नहीं लिखा है रिपीट नहीं किया है हमने द बॉय यानी कि जो नाउन है उसको अवॉइड करने रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है सॉरी क्या लगाया है ही का यूज़ किया है तो ही क्या हो जाएगा ये प्रनाउन हो गया है ठीक है समझ में आया आपको और ही जो है ये थर्ड फॉर्म है ठीक है पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन आएगा अब नेक्स्ट है द गर्ल हैज फेल्ड शी डिड नॉट वर्क हार्ड यानी कि जो गर्ल है ये ये भी क्या है एक नाउन है ठीक है वो फेल हो गई थी क्यों क्योंकि शी डिड नॉट वर्क हार्ड क्योंकि उसने हार्ड वर्क नहीं किया था इसलिए वो फेल हो गई थी अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि द गर्ल नाउन है और शी क्या है यहाँ पे उसकी जगह हमने यानी कि नाउन की जगह हमने क्या लगा दिया है प्रनाउन लगा दिया है या अब ऊपर क्या था बॉय था ठीक है तो इसलिए हमने यहाँ पे मेल के लिए हमने यहाँ पे ही का यूज़ किया है वैसे द गर्ल फ़ीमेल है इसलिए हमने यहाँ पे शी का यूज़ किया है समझ में आया क्योंकि गर्ल बोला है तो फीमेल के लिए शी का यूज़ करेंगे और बॉय मेल के लिए बॉय मेल होता है तो इसलिए यहाँ पे हमने ही का यूज़ किया है ठीक है तो ये क्या हो गया है यहाँ पे आपका जेंडर के बारे में बता दिया है अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे अबाउट द नंबर्स जैसे प्लूरल में क्या यूज़ करेंगे ठीक है वो देखेंगे अभी हम जैसे कॉल द गर्ल्स अब यहाँ पे गर्ल्स जो है वो क्या है यहाँ पे आप देख रहे हो प्लूरल दिया हुआ है ठीक है दे आर माई स्टूडेंट्स अब यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है देह का यूज़ किया है समझ में आया है तो देह का हमने यूज़ किया है तो ये एक प्रनाउन है देह क्या है प्रनाउन है आर माई स्टूडेंट्स तो यहाँ पे भी क्या हो गया है प्लूरल यानी कि गर्ल्स को बुलाओ क्यों क्योंकि वो वो क्या है वो मेरे स्टूडेंट्स हैं नेक्स्ट द बॉय द सॉरी द बुक वॉज लॉस्ट यानी कि अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो बुक है अब बुक बॉस लॉस यानी जो बुक है वो खो गई इट वॉज माइन अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो द बुक जो है यहाँ पे वो एक नाउन भी है ठीके? ठीक है थिंक है ये ठीक है और वो खो गए बुक की जगह हमने क्या यूज़ किया ये एक न्यूटर है यानी मतलब कि जेंडर कौन सा है न्यूटर जेंडर इसलिए हमने यहाँ पे इट का यूज़ किया है और उसके बाद हमने क्या यूज़ किया है प्रनाउन का यूज़ किया है माइंड क्या है डेट इज़ अ प्रनाउन ठीक है और ये पॉजिशिव है क्या है पॉजिशिव है ये एक्जेक्टिव सॉरी प्रोसेसिव प्रनाउन आएगा नेक्स्ट है आई हैव सीन फ्लावर्स यानी मैंने क्या देखा फ्लावर देखा अब फ्लावर्स के बाद एक प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है दे का यूज़ किया है ठीक है फ्लावर्स जो है वो प्लूरल फॉर्म है इसलिए हमने यहाँ पे दे का यूज़ किया है दे जो होता है वो हम क्या यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए ठीक है यानी वो फ्लावर्स मैंने फ्लावर्स देखे काफ़ी सारे फ्लावर्स देखे दे आर ऑल रोजेस यानी कि वो फ्लावर्स कौन थे वो फ्लावर्स जो थे वो सारे के सारे एक गुलाब थे यानी रोजेस थे समझ में आया तो इस तरीके से जो है हमने पर्सनल प्रोनाउंस जो है हमने सेम नंबर और जेंडर के लिए यूज़ किया है ठीक है सो द पर्सनल प्रोनाउंस हैव द सेम नंबर एंड जेंडर एज द नाउंस फॉरविच द स्टैंड एस इन द अबाउट सेंटेंसेज यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं जैसे फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन उन्हें सेम हमने नंबर और जेंडर के लिए यूज़ किया है समझ में आया सो so, नेक्स्ट जो है अभी हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन तो उसके लिए अभी हम सबसे पहले क्या देखेंगे केसेस के बारे में पढ़ेंगे ठीक है आपने अभी प्रोनाउंस के नंबर जेंडर देखे हैं तो अभी हम केसेस के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए एक बार पढ़ते हैं ओके okay, सो so अभी नेक्स्ट जो है अभी हम केसेस के बारे में पढ़ेंगे ठीक है केस यानी कि उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं कारक कहते हैं ठीक है अब वही केस जो है जैसे आपने नाउंस में पढ़े थे ना नंबर जेंडर एंड केस तो सेम आप यहाँ पे प्रोनाउंस में भी एक बार पढ़ेंगे ठीक है तो अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि केस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे ठीक है तो इसका भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है जिससे हम किसको रेफर करते हैं लॉन लिविंग थिंग्स को और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको रेफर करते हैं हम लिविंग थिंग्स को ठीक है जैसे आपने नाउन्स के सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है ठीक है अब इसके एग्जाम्पल दिया है आपको राम गेव हिम अ पेन और इन अनदर वर्स वी कैन से डेड राम गेव अ पेन टू हिम यानी हिंदी में क्या कहेंगे राम ने उसे एक कलम दी तो अब यहाँ पे क्या है कि जो हु यानी कि अभी हम इसको क्या देखेंगे कि इस सेंटेंस में हमें क्या पहचानना है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ठीक है अब हु जो है हु को क्या करेंगे हम हु जो है यानी कि कौन या किसने तो वो उसको हम सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा और हम यानी कि हम कब यूज़ करते हैं हम जब हम किसको या यानी कि क्वेश्चन क्या पुट आउट करेंगे हम किसको या किससे तो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और व्हाट क्या हो जाएगा यानी कि जब हम क्या पूछेंगे क्या क्वेश्चन क्या करेंगे क्या तो वो हो जाएगा हमारा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा ठीक है अब जैसे कि मैं तुम्हें बताती हूँ अब यहाँ पे क्या है कि आ, हु, हु मतलब कौन तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा कि कौन पेन कौन पेन दे रहा है तो यहाँ पे राम दे रहा है तो राम क्या हो जाएगा यहाँ पे राम जो है वो यहाँ पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ठीक है अब दूसरा जो है हुम यानी कि किसको या किस यानी कि राम ने किसको आ, राम ने उसे क्या दिया ठीक है राम ने उसे क्या दिया तो क्या दिया को क्या हो जाएगा जो क्या दिया है वो हो जाएगा यहाँ पे क्या है तो उसका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या दिया पेन तो पेन क्या है यहाँ पे एक नॉन लिविंग थिंग है ठीक है इसलिए पेन हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब मैंने बोला कि जैसे मैंने क्वेश्चन पुट आउट किया कि राम ने किसको पेन दिया राम ने किसको पेन दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा किसको यानी कि उससे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा ठीक है और हिम क्या है यहाँ पे किसी इंसान के बारे में कह रहे हैं यानी कि उसको या उसे तो किसी इंसान के बारे में हमने यूज़ किया है यहाँ पे हिम ठीक है तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है जब भी आपको किसी सेंटेंस में पता करना हो कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आपको ये दो क्वेश्चंस पुट आउट करने हैं किसको और क्या ठीक है किसको पूछोगे तो आपको यानी कि किस किसको राम ने किसको पेन दिया तो उसको दिया तो उसको क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा तो हिम जो है किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो वो इन डैरेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा यानी कि लिविंग थिंग के बारे में और यानी कि राम ने क्या दिया उसको तो उसको क्या दिया राम ने तो पेन दिया तो यहाँ पे पेन क्या हो जाएगा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा यानी कलम तो ये क्या हो जाएगा हम एक किसके बारे में बात कर रहे हैं एक नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं समझ में आया आपको तो नेक्स्ट है नेक्स्ट देखते हैं हम अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि डायरेक्ट अब वही सेम आपको दिया हुआ है सेंटेंस दिया है ठीक है तो अब इसमें से आपका जैसे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा राम जैसे आपको पता ही है कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा राम हो जाएगा ठीक है तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे हिम और पेन तो हिम और अ पेन क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया ठीक है अब जैसे दूसरा जैसे सेंटेंस है राम गेव अ पेन राम ने पेन दिया जैसे राम ने एक कलम दी ठीक है तो राम ने क्या दिया तो क्या 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 हो जाएगा पेन तो पेन यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है फिर दूसरा है राम रामगेव हिम यानी राम ने उसे दी तो क्या दी उसे तो उसे दी उसे तो उसे किसको दी उसे तो यहाँ पे क्या हिम क्या हो जाएगा यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा समझ में आया आपको तो जैसे नेक्स्ट है अब वैसे ही यहाँ पे जैसे दिया हुआ है आपको वही सेम चीज़ें याद रखनी है अच्छे से कि जो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आपका राम हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो है आपके दो हो जाएंगे ठीक है पर कुछ वो दो ऑब्जेक्ट्स क्यों हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कही है। तो फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यानी जो ले, नॉन लिविंग थिंग के वो पेन हो जाएगा और लिविंग थिंग में क्या हो जाएगा यानी कि हिम आ जाएगा जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ठीक है यानी कि किसको मैंने जैसे आपको बताया था आपको दो क्वेश्चंस पुट आउट करने हैं किसको पेन दी यानी कि राम ने किसको पहन दी उसे दी तो उसे का क्या हो जाएगा यहाँ पे हिम हो जाएगा ठीक है राम ने उसे क्या दिया तो क्या दिया का क्या हो जाएगा पेन दिया इसलिए वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा ओके अब हम देखते हैं केसेस के बारे में ठीक है तो टोटल थ्री केसेस होते हैं जैसे आपको पता है आपने नाउन्स में भी पढ़े हैं ठीक है तीन केसेस जैसे नॉमिनेटिव आता है देन ऑब्जेक्टिव आता है लास्ट पे पॉजिटिव आता है केस तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि नॉमिनेटिव क्या होता है अब जो नॉमिनेटिव है उसको दूसरे वर्ड में हम दूसरे आ, दूसरा क्या कहते हैं उसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे उसके उसे कर्ता कारक कहते हैं क्या कर क्या कहते हैं कर्ता कारक ओके अब इसका मीनिंग क्या है कि वैन अनाउन और प्रनाउन इज़ यूज यानी कि जब हम किसी नाउन या प्रनाउन को यूज़ करते हैं कैसे यूज़ करते हैं एज सॉरी एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यानी कि कैसे यूज़ करते हैं सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं ऑफ़ अ वर्ब देन इट इज़ से टू बी नॉमिनेटिव और यू कैन से सब्जेक्टिव केस ठीक है verb, जैसे फॉर अभी एग्जाम्पल के एग्ज़ाम्पल से समझते हैं एग्जाम्पल दिया आपको राम गेव हिम अ पेन ठीक है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि राम जो है यहाँ पे एक नाउन भी हो गया है ठीक है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ये जैसे हमने पढ़ा था कि नॉमिनेटिव क्या होता है ज़्यादातर सब्जेक्ट ही होता है ठीक है किसी सेंटेंस में हम क्या पता करते हैं कि जो नाउन और प्रोनाउन को किस तरह से यूज़ किया, कि किया जाता है सब्जेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है ठीक है इसलिए राम यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया ठीक है अब जैसे दूसरा सेंटेंस क्या दिया हुआ है ये नाउन ये जो राम है वो तो हो गया आपका नाउन हो गया ठीक है पर अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है ही गेव राम अ पेन तो यहाँ पे ऊपर क्या था राम था जो कि नाउन था ठीक है अब यहाँ पे ही दिया हुआ है यानी कि राम की जगह क्या है यहाँ पे प्रनाउन का यूज किया है इसलिए ही भी क्या हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा जो कि वो क्या हो जाएगा नॉमिनेटिव केस हो जाएगा समझ में आया आपको यानी कि आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए एक एग्जाम्पल आपको नाउन से समझा और दूसरे एग्जाम्पल आपको प्रनाउन दिया हुआ है राम यहाँ पे नाउन हो गया और ही यहाँ पे क्या हो गया प्रनाउन हो गया ठीक है तो अगर कोई भी यानी कि जब हम नाउन या प्रोनाउन यूज़ करते हैं सब्जेक्ट यानी कि वर्ब से पहले यूज़ करते हैं तो उससे हम क्या कहेंगे नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस समझ में आया तो अभी नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका ऑब्जेक्टिव और यू कैन से एक्यूसेटिव केस ठीक है यानी कि उसको हिंदी में क्या कहा जाता है कर्म कारक कहा जाता है ठीक है अब इसका मीनिंग देखते हैं वेन अ नाउन और प्रनाउन इज यूज यानी कि जब हम नाउन या प्रनाउन को यूज़ करते हैं यानी कि उसको इस्तेमाल किया जाता है कब एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रिपोजिशन यानी कि कहाँ पे यूज़ करते हैं पहले क्या था नॉमिनेटिव के नाउन और प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट में यूज करते थे और अभी क्या है ऑब्जेक्टिव में वो तो नाउन और प्रणाउन को कहाँ यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट में ठीक है ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और यू कैन से प्रीपोजिशन देन इट इज से टू बी ऑब्जेक्टिव और यू कैन से एक्यूजेटिव केस समझ में आया अब जैसे यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको कि राम गेव हिम अ पेन ठीक है राम ने अब यहाँ पे पेन दिया है उसको ठीक है तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे दो चीज़ें आपको ऑब्जेक्ट दी हुई है एक तो हिम भी है और दूसरा पेन भी है ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो तो लास्ट में जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको एक पेन यानी कि एक नाउन भी दिया हुआ है और एक प्रनाउन दोनों दिया हुआ है ठीक है हिम और अ पेन दोनों दिया हुआ है इसलिए दोनों क्या हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा अब ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि ही गेव राम अ पेन अब ध्यान से देखना अब ऊपर क्या था राम था और नीचे क्या दिया हुआ ही पर ये दोनों तो सब्जेक्ट है ठीक है अब हमें क्या देखना है ऑब्जेक्ट कौन से है पहले आपको हीम दिया था और अपेन जो कि वो हो गया था ऑब्जेक्ट हो गया था अब यहाँ पे आपको दिया है कि राम पहले सब्जेक्ट था तो उसको यहाँ पे क्या बना दिया उसको अभी हमने ऑब्जेक्ट कर दिया है ठीक है इसलिए राम और अपन ये दोनों क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा इन ऑब्जेक्टिव केस में समझ में आया तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि जब हम किसी नाउन या प्रनाउन को यूज़ किया जाता है एज अ ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है नाउन और प्रनाउन को ठीक है इसलिए हम उसे क्या कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे समझ में आया आपको लास्ट है आपका है पोजेसिव और यू कैन से जेनेटिव केस ठीक है और हिंदी में इसको कहते हैं कारक यानी कि संबंध यानी कि एक रिलेशन शो होता है इसमें ठीक है अब मीनिंग देखते हैं वैन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन यानी कि एक ऐसा फॉर्म यानी फॉर्म यानी एक रूप यानी कि ऐसा रूप होता है किसी नाउन या प्रोनाउन का यानी कब यूज यूज़ करते हैं टू शो दोजिशन और रिलेशन यानी कि किस लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या दिखाते हैं हम पोजेसन और यू कैन से रिलेशन यानी कि किसी के संबंध दिखाते हैं ठीक है किसी का ऑनरशिप शो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं सो दैट इट कैन बी से टू बी पोसेसिव और यू कैन से जेनेटिव केस ठीक है so case, अभी एग्जाम्पल देखते हैं जैसे इट इज़ राम स्पेन जैसे अभी आपने पढ़ा है नाउन नाउन केस में पोसेसिव में हम एपोस्ट्रोफियस लगा कर क्या देखते हैं कि उसका संबंध बताते हैं ठीक है तो यहाँ पे इट इज़ राम्स पेन ठीक है यह राम की कलम है तो अब यहाँ पे जो राम्स है पेन किसकी है यहाँ पे ऑनरशिप की बात हो रही है यानी कि संबंध की बात हो रही है रिलेशन की बात हो रही है तो राम की जो पेन किसकी है ऑनर कौन है पेन का राम है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया राम्स पेन तो राम्स क्या हो गया एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया हमने तो वो हो जाएगा पॉजिटिव केस वैसे ही अब हम नीचे देख रहे हैं दे, पहले नाउन का दिखाया राम एक नाउन है ठीक है अब नीचे है प्रोनाउन का एग्जाम्पल है तो शी इज़ माई मदर तो अभी यहाँ पे क्या दिया है कि वो वह मेरी माँ है मेरी है मेरी माँ किसकी है वो मेरी माँ है तो यहाँ पे एक रिलेशन और एक संबंध शो हो रहा है ठीक है इसलिए माए क्या हो गया पॉजिटिव केस हो गया समझ में आया वैसे ही तीसरा एग्जाम्पल दिया है दिस पेन इज़ mine. यानी कि यह कलम मेरी है तो ये कलम किसकी है मेरी है मेरी ठीक है तो ये पेन क्या हो जाएगा आपका माइन माइन क्या हो गया पॉजिशिव केस हो गया समझ में आया तो पेन क्या हो गया है वो मेरी है ठीक है यानी कि यहाँ पे एक रिलेशन और यहाँ पे एक ऑनरशिप की बात की जा रही है ठीक है पेन का ऑनर कौन है मैं हूँ मैं मैं यानी कि मेरी पेन है ये समझ में आया आपको सो so, नेक्स्ट देखते हैं सो so, अब एक बात आपको ध्यान से याद रखनी पड़ेगी कि आ, से नोट डाउन कर लीजिएगा कि नाउन चाहे नाउन चाहे नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव केस में रहे या ऑब्जेक्टिव केस में उसका रूप यानी कि फॉर्म बिल्कुल नहीं बदलता यानी कि जब नाउन जो है चाहे वो नॉमिनेटिव केस में हो या फिर वो ऑब्जेक्टिव केस में हो उनका जो फॉर्म या रूप होता है वो बिल्कुल भी बदलता नहीं है पर लेकिन जो पोसेसिव केस होते हैं उनमें रूप बदल जाते हैं ठीक है थीके? तो आपको याद रखना है कि जो नॉमिनेटिव केस होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में उनके जो रूप होते हैं नाउन के वो बदलते हैं सॉरी नहीं बदलते सॉरी नहीं बदलते किस में नहीं बदलते नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में नहीं बदलते उनके फॉर्म यानी उनके रूप पर जो पॉजिशिव केस होते हैं उनमें उनका जो रूप होता है वो बदल जाता है समझ में आया तो एग्जाम्पल देखते हैं जैसे राम गेव हिम अ पेन तो यहाँ पे क्या हो गया नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्ट देखना है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया राम इसलिए वो क्या हो गया नॉमिनेटिव केस ठीक है तो इसका क्या है वो जो फॉर्म है रूप है वो सेम रहेगा ठीक है सेकेंड के सेंटेंस में दिया है आपको ही केव राम अ पेन ठीक है अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्या आ गया है राम और पेन यानी कि राम जो हो गया है यहाँ पे वो एक ऑब्जेक्टिव केस हो गया है ठीक है तो ऑब्जेक्टिव केस में हम क्या यूज़ करते हैं नाउन या प्रनाउन तो यहाँ पे नाउन दिया हुआ है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस ये एक ऑब्जेक्ट भी है तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा ठीक है या फिर आप पेन आप भी लिख सकते हो ठीक है अब लास्ट में क्या है कि इनके दोनों के जो फॉर्म है वो सेम है ठीक है अब नेक्स्ट है इट इज़ राम्स पेन यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है कि, कि किसका पेन है यहाँ पे ऑनरशिप की बात की जा रही है तो ये किसकी पेन है राम की पेन है तो इसलिए यहाँ पे राम्स के बाद क्या यानी कि राम के बाद क्या है? दिया हुआ है एस दिया हुआ है ठीक है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा पॉजेसिव केस यानी आप देख रहे हो कि ऊपर नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में दोनों में राम यानी कि जो है वो रूप उनका सेम है पर कहाँ बदल गया पॉजिटिव केस में बदल गया क्यों क्योंकि लास्ट में उसमें क्या लग गया एपोस्ट्रॉफी एस समझ में आया आपको तो ऐसे ही ये केस है जिस जिसे जो आपको याद रखना है आप नेक्स्ट है प्रनाउंस तो प्रनाउंस के रूप यानी कि जो फॉर्म्स होते हैं वो तीनों केसेस में बदल जाते हैं ये तो आपने नाउंस में पढ़ा था पर प्रनाउंस में क्या होता है कि जो रूप होते हैं जो फॉर्म्स होते हैं वो तीनों में ही केसेस में बदल जाते हैं जैसे तीन तीन केस हैं होते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है ऑन द पेज नंबर एटीन में ठीक है तो यहाँ पे जो नॉमिनेटिव केस है देन ऑब्जेक्टिव केस और फिर आता है प्रोसेसिव केस तो अब नॉमिनेटिव केस में क्या आएगा जो आई आई और वी यानि कि जो आई और वी है ठीक है आई और वी किस में आता है ये दोनों के दोनों फर्स्ट पर्सन में आते हैं पर जो आई होता है ये सिंगुलर में होता है और वी जो होता है ये प्लूरल फॉर्म में आता है ठीक है और वैसे ही सेम ऑब्जेक्टिव केस को हम दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं एक्यूसेटिव केस तो आपकी बुक में ऑब्जेक्टिव नहीं दिया है आपकी बुक में एक्यूसेटिव दिया है तो कंफ्यूज मत हो जाना कि मैडम यहाँ पे तो आ, आप ऑब्जेक्टिव केस कह रहे हो पर बुक में तो एक्यूसेटिव केस दिया है पर दोनों का जो होता है वो दोनों सेम ही है एक्यूसेटिव बोलो चाहे ऑब्जेक्टिव बोलो दोनों का मीनिंग सेम है ठीक है तो इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में भी मी दिया है और अस दिया है ठीक है वो दोनों ही फर्स्ट पर्सन में आते हैं पर जो मी होता है वो सिंगुलर और अस हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं वैसे ही सेम आता है पोसेसिव केस तो पोसेसिव केस में क्या होता है कि पोसेसिव केस में भी आपको दो चीज़ें होती हैं एक तो पोसेसिव प्रोनाउंस होता है दूसरा पोसेसिव एडजेक्टिवस होता है वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी ठीक है इसके बाद अभी आपको ध्यान देना है कि पॉजिटिव केस जो माइन है और उसमें माइन जो है वो एडजैक्ट सॉरी प्रनाउन हो जाएगा ठीक है और माए जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा वैसे ही माए और माइन जो होता है सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज किया जाता है और आवर और आवर्स जो होता है प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है ठीक है नेक्स्ट है यू यू नॉमिनेटिव केस में यू दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव केस में यू दिया हुआ है पॉजिटिव में योर your और योर्स दिया हुआ है ठीक है तो यू यू जो है वो सेकेंड पर्सन में आता है ठीक है अब नेक्स्ट है जैसे ये जो है थर्ड पर्सन में आते हैं ही शी इट दे हु फिर ऑब्जेक्टिव में भी ही का हिम हो जाएगा हर इट दे का देम हु who का हु देन पॉजिटिव केस में ही हर का हर हर्स इट्स their का theirs, हु का हुस ठीक है अब इन में से कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है वो मैं आपको बता देती हूँ अब जो आप देख रहे हो नॉमिनेटिव केस में जो ही है शी है ठीक है और जो इट है तो ये तीन जो है वो आपको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं ठीक है वैसे ही हो गया हिम हो गया हर हो गया और इट हो गया ठीक है वैसे ही हीस हर हर्स और इट्स बट ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे दे देख रहे हो आप ठीक है दे है देम है देस है ये सब क्या है प्लूरल फॉर्म में हम यूज़ करते हैं ठीक है समझ में आया आपको अंडरस्टूड तो अभी हम अभी प्रोसेसिव केस में भी हम देखेंगे कि आगे आपको दो मैं आपको समझाऊँगी प्रोसेसिव एडजेक्टिव एंड प्रोसेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं वो भी हम डिटेल में पढ़ते हैं ठीक है ओके सो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ प्रोसेसिव प्रोनाउंस एंड प्रोसेसिव एडजेक्टिव्स। ओके okay? तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है अभी आप वो देख लीजिए अच्छे से ठीक है जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपको डिफरेंस बता रही हूँ जैसे फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है माइन आता है प्रोसेसिव प्रोनाउंस में क्या आता है माइन आवर्स योर्स हर्स हीस देयर्स ठीक है और प्रोसेसिव ऑब्जेक्टिवस में क्या आता है माए आता है आवर योर हीस हर देयर एंड इट्स ठीक है अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो हीस और हीस है ठीक है इसमें हीस और हीस का यूज़ किया जाता है यानी कि इसको मेल होता है तब हम इसको हीस और हीस दोनों में सेम ही रहेगा ठीक है और इट्स जो होता है वो भी हम प्रोसेसिव प्रोनाउंस में भी यूज़ करते हैं और प्रोसेसिव एब्जेक्टिव में भी हम इट्स का यूज़ करते हैं ठीक है थीके? तो दोनों में सेम ही रहेगा तो समझ में आया आपको पोसेसिव प्रोनाउंस में हम माइन आवर्स योर्स हर्स हीस देयर्स और प्रोसेसिव एडजेक्टिव्स में माई आवर योर हीस हर देयर इट्स ठीक है यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउंस में हम हर जगह पे यानी कि जो प्लूरल फॉर्म्स होते हैं उसमें हम एस का यूज़ करते हैं ठीक है और यहाँ पे हमने एस का यूज़ नहीं किया जाता है समझ में आया आपको तो ये प्रोसेसिव एडजेक्टिव्स है सेकेंड पॉइंट है आपका नॉट यूज़ भी यानी कि पोजिशन बता रहे हैं बता रही हूँ मैं आपको कि पोजिशन यानी कि कब आपको प्रोसेसिव प्रोनाउन यूज़ करना है और कब आपको पोजेसिव एडजैक्टिव यूज़ करना है तो यहाँ पर नॉट यूज़ बिफोर नाउन यानी कि जो प्रोसेसिव प्रोनाउंस है वो आपको नाउन्स के पहले यूज़ नहीं करना है ठीक है और वही जो है प्रोसेसिव एडजैक्टिवस आपको नाउन्स के यूज़ बिफ़ोर नाउन यानी कि आपको नाउन नाउंस के पहले यूज़ करना है किसी प्रोसेसिव एडजेक्टिवस को ठीक है आप जैसे थर्ड पॉइंट क्या है एग्जाम्पल्स है जैसे फर्स्ट दिस बुक्स आर आवर्स यानी कि आप देखो यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे आवर्स का यूज़ किया है ठीक है तो ये जो बुक्स है वो हमारी है अब जैसे अभी आप क्या कभी कभी क्या हो जाता है कि आवर में आवर्स और आवर में आप कंफ्यूज हो जाते हो तो अब उसमें क्या देखना है एक बुक मतलब आपको याद रखना है कि हम प्रोसेसि प्रोनाउन को पोजिशन मतलब कहाँ यूज़ करेंगे तो आपको जैसे मैंने याद रखना ये पॉइंट कि जो यानी कि ये जो प्रोसेस प्रोनाउंस है ना उस वो हम ये नाउन यानी कि जो नाउंस है उससे पहले हम यूज़ नहीं करते हैं समझ में आया यानी कि जैसे ये जो बुक्स है अब ये जो बुक्स है बुक्स क्या हो गया ये नाउन हो गया ठीक है और उसके बाद क्या आ गया है आर आ गया इसलिए हमने इस आर के बाद ही हमने आवस का यूज़ किया है ठीक है यानी कि ये जो आवस है वो हम नाउंस के पहले यूज़ नहीं कर रहे हैं समझ में आया अब वैसे अब से यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए जैसे दिस आर अब यहाँ पे आवर आवर्स के पहले आर था अब यहाँ पे क्या हो गया आवर के पहले आर है और आवर के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है बुक्स आ रहा है समझ में आया यानी कि हम जो है प्रोसेसिव ऑब्जेक्टिवस को कब यूज़ करते हैं नाउन के पहले यूज़ करते हैं ये था नाउन के पहले हम यूज नहीं करते और यहाँ पे नाउन के पहले हम यूज़ करते हैं क्या प्रोसेसिव एब्जेक्टिव समझ में आया डिफरेंस सो दीज आर आवर बुक्स यानी कि हमने प्रोसेसिव ऑब्जेक्टिव के बाद क्या लगाया है नाउन को लगाया है ठीक है पर वही हम प्रोसेसिव प्रोनाउंस में क्या करते हैं कि हम आवर्स के पहले नाउंस का यूज़ नहीं करते हैं समझ में आया आपको अब वही सेकंड पॉइंट देखिए दिस पेन इज माइंड यानी कि अब वही सेम है हमने यहाँ पे माइंड जो है वो प्रोसेसिव प्रोनाउन है उससे पहले हमने नाउन का यूज़ नहीं किया है ठीक है वही सेम जो है हमने यहाँ पे क्या किया है हमने ये माए जो है वो प्रोसेसिव से से हमने प्रोसेसिव एडजेक्टिव्स के बाद हमने क्या यूज़ किया है नाउन का यूज़ किया है किसका यूज़ किया है नाउन का समझ में आया अब वैसे ही जैसे कि सेकेंड थर्ड देखिए दिस इज़ माइंड बुक अभी अभी हमने क्या किया है कि हमने ये प्रोसेसिव प्रोनाउन उससे उसके बाद हमने बुक यानी कि नाउन लगाया है देख रहे हो आप नाउन यूज़ किया है तो ये जो सेंटेंस है ये गलत सेंटेंस है ठीक है सही सेंटेंस क्या है इसका कि दिस इज़ माय बुक हम माइंड कभी नहीं बोलेंगे यानी कि ये बुक मे यानी कि मेरी है यानी कि इसको हम कभी भी माइंड नहीं लिखेंगे समझ में आया हम हम क्या लिखेंगे इसका प्रॉपर स्टेटमेंट क्या बनेगा कि दिस इज़ माय बुक यानी कि जो माय है माय उसके बाद ही हम क्या करेंगे हमेशा प्रोसेस ऑब्जेक्टिव में हम नाउन का यूज़ करेंगे माइंड का यूज नहीं करते हैं ठीक है अब नेक्स्ट है फोर्थ में आपको क्या देखना है कैन बी यूज यानी कि कैन बी यूज इन द लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी कि ये जो होते हैं हमेशा जो प्रोसेसिव ये प्रोनाउंस होते हैं ठीक है प्रोसेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो हमेशा लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में ही आते हैं ठीक है पर जो प्रोसेसिव एग्जेक्टिवस होते हैं वो कभी भी लास्ट में नहीं आते यानी नेवर यानी नेवर बी यूज एज लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस समझ में आया आपको तो ये या आपको याद रखना है कि जो प्रोसेसिव प्रोनाउन है वो लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में ही आते हैं पर जो प्रोसेसिव ऑब्जेक्टिवस होते हैं वो आ, सेंटेंस के लास्ट में नहीं आते हैं समझ में आया अब इसके बाद ऐसे एग्जाम्पल देखिए दिस बुक इज़ माइंड अब यहाँ पे देख रहे हो ये माइंड जो है वो प्रोसेसिव प्रोनाउंस है ठीक है तो हमने इसको लास्ट में यूज़ किया है सेंटेंस के आखिर में यूज़ किया हमने ठीक है इसलिए ये सही सेंटेंस है वही दूसरी तरफ क्या है कि दिस बुक इज़ माई तो ये गलत है कभी भी हम प्रोसेसिव एडजेक्टिव्स को लास्ट में यूज़ नहीं करेंगे समझ में आया अब फिफ्थ पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि हमें कभी भी प्रोसेसिव प्रोनाउन में यानी कि पौसेसिव हो होोसेसिव ठीक है पोजेशन पोजेसिव तो उसमें कभी भी हम नेवर यूज़ एपोस्ट्रॉफी यानी कि योज के बाद हमें एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है कभी भी नहीं लगाना है हमें ठीक है जब भी हम पोसेस यानी कि यूज़ करें योस आवस लिखे तो उसमें आपको ऊपर कोमा या अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना है ठीक है इस लगा इससे लगाओगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस समझ में आया आपको तो इसलिए हम कभी भी प्रोसेसिव में हम कॉपोस्ट्राफी एस नहीं लगाएंगे ठीक है अब नेक्स्ट हम देखते हैं अब आपको क्या याद रखना है हाउ टू यूज़ प्रोसेसिव प्रोनाउंस एंड पोसेसिव प्रोनाउंस एंड प्रोसेसिव एब्जेक्टि इन अ सेम सेंटेंसेस यानी कि आपको कैसे प्रोसेसिव प्रोनाउंस और प्रोसेसिव एबजेक्टिव को सेम सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है तो अभी हम एग्जांपल से देखते हैं लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल्स पहला अब माय पेन इज़ न्यू एंड हर पेन इज़ ओल्ड अब यहाँ पे क्या है कि जो माए है ठीक है माए जो है यहाँ पे क्या हो गया है कि माए यहाँ पे ये यह पोसेसिव एडजेक्टिव है है कि नहीं और हर भी क्या हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव है यानी कि यहाँ पे दोनों ही क्या दिया है दोनों ही प्रोसेसिव एडजेक्टिव दिया है इसका मतलब क्या है कि ये मेरी पेन मेरी पेन न्यू है एकदम नई पेन है और उसकी पेन पुरानी है ठीक है तो माय भी यूज़ किया हुआ है प्रोसेसिव एडजेक्टिव और यहाँ पे हर का भी यूज़ किया है प्रोसेसिव एडजेक्टिवस तो दोनों एक ही सेंटेंस में दोनों प्रोसेसिव एडजेक्टिवस हम यूज़ नहीं करेंगे पर उसको हम कैसे प्रोसेसिव प्रोनाउंस में यूज़ करेंगे जैसे अब हम क्या करेंगे नाउ माय पेन इज़ न्यू माय तो हमने ऐसे सी टी सी लिखा है वो तो वही का वही रहेगा प्रोसेसिव एडजेक्टिव बट एंड हर्स इज़ old ओल्ड तो हर्स क्या हो गया यहाँ पे प्रोसेसिव प्रोनाउन हो गया क्या हो गया है हर्स यानी कि हर्स यानी कि उसकी तो उसकी पेन जो है अभी हमने पेन भी हटाया तो कि पेन जो हमने एक ही बार ही यूज़ किया है करना है तो my पेन इज़ न्यू एंड हर्स इज़ ओल्ड ठीक है जो नाउन है वो हमने एक ही बार ही यूज़ किया है समझ में आया इसलिए my हो गया possessive एडजेक्टिव और हर्स का हा ऊपर हर था हमने यहाँ पे एस लगा था हर्स यानी कि उसकी पेन जो है वो पुरानी है समझ में आया और ये समझ में भी आ जाता है कि पेन उसकी मेरी पेन नहीं है और उसकी 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 पेन पुरानी है समझ में आया इसलिए अब आपको समझ में आया कि कैसे एक ही सेंटेंस में हमें प्रोसेसिव एड्जेक्ट एडजेक्टिव और प्रोसेसिव प्रोनाउन को कैसे यूज़ करना है ठीक है समझ में आया आपको तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं अब ऑन नाउ टेक टेकआर ऑन द पेज नंबर नाइनटीन जैसे भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे आ, लास्ट पार्ट है आपका ये चैप्टर का प्रोनाउंस का सबसे पहले दिया है द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस जैसे दिया है आई वी यू कैन बी यूज बोथ एज मेस्क्यूलाइन एंड फेमिनाइन यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है आई वी यू ठीक है तो वो हम दोनों में यूज़ करेंगे यानी कि एंड जेंडर में भी हो एंड जेंडर में भी यूज़ किया जाता है ठीक है ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं सेकेंड है ही हीस हीम आर ऑफ मस्क्यूलर एनजेंडर्स यानी कि जो ही है हीस है हीम है वो सब क्या है मस्क्यूल जेंडर्स के लिए यूज़ किया जाता है और वही शी हर और हर्स वो फेमिलाइन जेंडर्स के लिए यूज़ किया जाता है ठीक है इट इज़ ऑफ न्यूटर जेंडर इट कब यूज़ करते हैं जब न्यूटर होता है ठीक है ना मे मेल ना फीमेल ठीक है यानी कि जो आ, ये इट जो होता है न्यूटर जेंडर के लिए यूज़ किया जाता है पर जो इट जो होता है वो हम एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं यूज़ किया जाता है कि इसके लिए इट इज़ यूज़ फॉर द एनिमल्स ओके अब नेक्स्ट क्या दिया है आपको सी वी ऑलवेज राइट जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़े दिए हैं अब उस एग्जांपल से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाऊंगी ठीक है जैसे आ, यहाँ पे बिटवीन अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे हर एक चीज़ बिटवीन 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 और बिटवीन का यूज़ किया हुआ है ठीक है अब यहाँ पे एक मिस्टेक क्या हो जाती है जैसे मैं आपको बता रही हूँ अ कॉमन मिस्टेक ऑकर्स विद द प्रीपोजिशन बिटवीन यानी कि कभी कभी हम एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं जब हम क्या लिखते हैं प्रीपोजिशन बिटवीन का यूज़ करते हैं तो एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं पर उस मिस्टेक को कैसे सुधारना है जैसे आप देखिए ऑलवेज यूज़ ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस वैन यू हैव ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ प्रीपोजिशन यानी कि हमेशा आपको क्या यूज़ करना है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस का यूज़ करना है कब जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स हो ऑफ अ प्रीपोजिशन यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं प्रीपोजिशन होते हैं तब आपको क्या यूज करना है आपको बिटवीन का ही यूज करना है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल है जैसे हाँ तो इसका मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रिपोजिशन जब भी आपको प्रिपोजिशन बिटवीन दिया हो तब आपको क्या यूज करना है ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल द विनिंग प्राइस मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन शी एंड आई यानी कि जो विनिंग प्राइस है मनी वो किस पे बांटा गया है शी एंड यानी कि यहाँ पे शी और आई ये दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे और ये दोनों जो है नॉमिनेटिव केस है ठीक है को नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस यूज़ किए हैं बट ये गलत है आपको नॉमिनेटिव केस यूज़ नहीं करना है क्योंकि उससे पहले जब भी प्रीपोजिशन आए तब आपको कभी भी नॉमिनेटिव केस यूज़ नहीं करना है ठीक है इनोमिनेटिव केस के प्रोनाउंस हैं वो आपको कभी यूज़ नहीं करना आपको क्या यूज़ करना है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस को ही यूज़ करना है जैसे द विनिंग प्राइस मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन प्रीपोजिशन बिटवीन हर एंड मी यानी कि हमने क्या लगाया है हर एंड मी यानी कि हर और मी दोनों क्या हो गया ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया है समझ में आया आपको क्या है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस तो ये आपका जो है वो सेंटेंस सही होता है समझ में आया आपको तो वही सेम यहाँ पे आपको बताया है कि वी ऑलवेज राइट हम हमेशा क्या लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे जैसे बिटवीन दैम एंड अस बिटवीन हर एंड माई मी बिटवीन तनु एंड मी बिटवीन कीर्ति एंड कीर्ति एंड मी बिटवीन यू एंड मी तो यू एंड मी बिटवीन हिम एंड मी तो ये सब क्या है ऑब्जेक्टिव केस प्रनाउंस ओके इज डेट क्लियर टू यू समझ में आया आपको ओके चलिए थैंक यू और एक बार आज वीडियो को आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हैं ठीक है थैंक यू